मैं मीडिया 92 के ऑफिस में जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। आज हमारी गुफ्तगू होगी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकें, ज़्यादा रिजल्ट्स कैसे दे सकें और सोसाइटी में बेहतर कंट्रीब्यूट कैसे कर सकें। सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि सक्सेस होती क्या है, 7D सक्सेस फार्मूला। वो 7Ds क्या है? डी फॉर ड्रीम। आप किसी भी चीज के बारे में ख्वाब देखते हैं, जो चीज इंसान के हाथ है तसव्वुर में आ सकती है वो मर्ज़े वजूद में आ सकती है। देन डिजायर, डिजायर ये है कि उस ख्वाब को ताबीर देने की शदीद ख्वाहिश आपके अंदर पैदा होती है, वो ख्वाहिश आपको बिस्तर से उठा के मैदान अमल में उतारती है। आपके ख्वाब आपको बिस्तर पर रखते हैं कि बिस्तर से उठाते हैं, ये बताता है कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर कितनी। अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैंने जो ख्वाब देखा है जिसे ताबीर देने की एक शदीद ख्वाहिश मेरे अंदर है, मैंने हर हाल में मैदान में उतरना है, उसे हासिल करना है और उसकी कीमत देने को आप तैयार हो गए। दिस इज डिसीजन। मगर जब तक आप मैदान अमल में उतर के उस दीवानगी के साथ डिलीवर नहीं करेंगे, जंगे मौता में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान में उतरते हैं तो एक दिन में उनके हाथ से 9 तलवारें टूटती हैं। फैसला करने के बाद आप मैदान अमल में कैसे उतरते हैं ये बताता है कि आप कामयाब होने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। कामयाब और नाकाम में बुनियादी फर्क यह है कि कामयाब शख्स अपने वक्त का सबसे बेहतर सबसे मौसर इस्तेमाल करता है। जो अपना टाइम जाया करता है इसका मतलब है वो जिंदगी जाया करता है। 35 साल उसने जिंदगी का टाइम उसमें दिया, उसने काम कितना किया? मैंने ये 7 साल तो आपने ऑफिस में टाइम स्पेंड किया है, मैंने पूछा था काम कितना किया है? 35 साल से बात शुरू हुई थी। तो अगर आप 1 साल का रिजल्ट 1 हफ्ते में पैदा कर दें तो आप 1 हफ्ते में 1 साल के पैसे भी तो ले सकते हैं। 3 सवाल हैं जो आप में से हर एक को अपने आप से करने चाहिए। नंबर 1, व्हाई यू आर हियर। अगला सवाल, जब आपको पहला व्हाई का जवाब मिल जाए तो अगला सवाल है व्हाट वैल्यू कैन यू ऐड। आपकी वजह से सोसाइटी में क्या बेहतरी आ सकती है, आपकी वजह से फैमिली में मिलने वालों में क्या तब्दीली आ सकती है, व्हाट वैल्यू कैन यू ऐड। तीसरा और आखिरी सवाल खुद से ये पूछे, मैं वो क्या कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। जिस दिन आपको इन 3 क्यों के, इस 3 वाई के जवाब मिल गए, वो समझे कि कामयाबी की सीढ़ी से आप उतर के कामयाबी की लिफ्ट में सवार हो गए।